भारत में नोटबंदी 2.0, इमरान खान पर कसा शिकंजा, कर्नाटक में सिद्धारमैया की ताजपोशी, मौसम का लगातार बदलता रंग। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। RBI के इस फैसले को नोटबंदी 2.0 भी नाम दिया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोटों को बदल सकता है। हालांकि एक दिन में वह 10 नोट ही बदल सकेगा। लोग 2000 के नोट को बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उसे बैंकों व RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर दूसरे मूल्य का नोट ले सकते हैं। दरअसल RBI ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी। 2000 के करीब 90% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। मार्च 2018 में चलन में मौजूद कुल नोट में 2000 रुपए के नोट की हिस्सेदारी 37.3% थी, जो 31 मार्च 2023 को घटकर 10.8% रह गई। मूल्य के हिसाब से मार्च 2018 में कुल 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट 2000 रुपए के थे, जबकि 31 मार्च 2023 को इनका मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया। दूसरी ओर विपक्ष ने RBI के फैसले की कड़ी आलोचना की है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 2000 रुपए का नोट लेन देन के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। हमने यह नवंबर 2016 में कहा था और अब सही साबित हुए हैं। हैरानी नहीं होगी कि यदि 1000 रुपए का नोट फिर से जारी हो जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 2000 का नोट वापस लेने के फैसले पर तंज करते हुए कहा कि स्वयंभू विश्वगुरु की चित परिचित शैली, पहले करो फिर सोचो। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के तुगलकी फरमान के बाद बड़े धूमधाम से 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। अब इसे वापस लिया जा रहा है। सपा मुखिया व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट कर कहा, कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि यह भी सही है, 2000 के नोट को बंद करने का असर आम आदमी पर नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सेना और शहबाज सरकार ने धीरे धीरे इमरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि PTI अध्यक्ष को एक संदेश भी दिया गया है कि या तो वे देश छोड़ दें या आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस एक्ट के तहत उन्हें 10 साल की सजा अथवा फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। PM शहबाज शरीफ ने देश भर में PTI समर्थकों की हिंसक तबाही के लिए इमरान खान को जिम्मेदार बताया है। दरअसल पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर हमला किया और लाहौर में कोर कमांडर के घर में आग लगा दी। इस बीच पाकिस्तानी पुलिस ने कहा कि इमरान के घर में 30 से 40 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, लेकिन तलाशी के दौरान वहां कुछ नहीं मिला। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने भागते हुए 6 आतंकियों को पकड़ा है। इस मामले में भी इमरान फंस सकते हैं। इमरान को सरकार और सेना से तो खतरा है ही, दूसरी ओर उनके प्रति लोगों का समर्थन भी घट रहा है। हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अल्पसंख्यक सदस्य जयप्रकाश ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। जयप्रकाश ने 9 मई को देश के सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों पर हमले की आलोचना की है। इस घटना का विरोध जताते हुए इससे पहले भी PTI के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इमरान के लिए आने वाला समय काफी खतरनाक हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए नई चुनौतियों का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य में अब पार्टी को एकजुट बनाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, साथ ही जनता से किए गए वादों को पूरा करने का दबाव भी उस पर होगा।
दरअसल राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने मतदाताओं को बार बार आश्वासन दिया कि सत्ता में आने से पहले दिन से ही कैबिनेट की पहली बैठक में इन 5 गारंटी को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार इसमें शर्तें लागू वाली बात जोड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो गारंटी को मतदाताओं विशेष रूप से महिलाओं का पूरा समर्थन मिला और इसने पार्टी की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं कुछ भाजपा नेताओं का आरोप है कि गारंटी को लागू करने से राज्य दिवालिया हो जाएगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अपने चुनाव पूर्ण वादों को नहीं निभा पाएगी। राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया है। हालांकि कर्नाटक की जीत से कांग्रेस का आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ ही विपक्ष को भी सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एकजुट करने में मदद मिलेगी। सिद्धार्थ रमैया के शपथ समारोह में जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई, उसे इस बात का संकेत भी मिलने लगे हैं। यदि यहाँ एकजुटता इसी तरह बनी रहती है तो 2024 में भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। इस बार भारत के कई हिस्सों में मौसम का अलग ही रंग दिखाई दे रहा है। कभी अचानक गर्मी देखने को मिलती है तो कभी बारिश अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। इसके चलते तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच राजस्थान, गुजरात समेत कुछ इलाकों में 45 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। हालांकि वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन का अध्ययन डराने वाला है। इसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण बांग्लादेश, भारत, लाओस और थाईलैंड में लू चलने की आशंका कम से कम 30 गुना अधिक हो सकती है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि गर्म हवाएं चलने के संदर्भ में हॉटस्पॉट कहलाने वाले इन क्षेत्रों में लू का असर बढ़ने की संभावना है। गत अप्रैल के दौरान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों ने लू का सामना किया। वहीं लाओस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और थाईलैंड में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया। अध्ययन में पाया गया कि इस अत्यधिक गर्मी के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में वृद्धि के साथ ही बुनियादी ढांचे को भी क्षति हुई और जंगल में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ। अब खबरें संक्षेप में। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एलजी के पास फिर पावर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के अधिकारों की व्याख्या की थी। मोदी कैबिनेट में बदलाव, किरण रिजिजू से छीना कानून मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल को बनाया कानून मंत्री। ज्ञानवापी मस्जिद से मिले शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग समेत वैश्विक वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को फिलहाल स्थगित किया गया। आर्यन ड्रग्स केस मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किया था पद का दुरुपयोग, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।